I'm Dr. Shweta और ये स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के MCQ हैं और उसका ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स भी होंगे इसमें तो कैलकुलेशन भी करनी है, तो आप पॉज करके कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है? तो टाइमर तो 10 सेकंड का ही रहेगा, आप कैलकुलेशन करिए फिर उसको स्टार्ट करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी फॉर्मुलेट बेस्ड ऑन द इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्वांटम स्टेट्स। टाइम स्टार्ट नाउ। और आपको ये देखना है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किस तरीके के रेफरेंस यूज किए जाते हैं, किस तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करे जाते हैं। तो यस, करेक्ट आंसर इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज कॉट फोर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड टी इज रेफर्ड टू एज इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्पेस टाइम रेफरेंस, फोर डायमेंशनल प्लेन। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। कि जो एक्स वाई जेड टी कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? तो यस, स्पेस टाइम रेफरेंस, क्योंकि इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल हो, एक्स वाई जेड टी कोऑर्डिनेट्स तो दोनों में ही होंगे, फोर डायमेंशनल प्लेन भी कहलाता है, तो नॉर्मली हम इसको स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शोज दैट न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज वैलिड एट वेलोसिटी मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लाइट, वेलोसिटी नियरर टू दैट ऑफ लाइट, all velocities, velocity much greater than that of light. तो timer starts now और time start हो चुका है। तो ध्यान से देखिए, मैंने बहुत बार बताया है special theory of relativity में कि Newtonian mechanics किस velocity के लिए applicable होती है या valid होती है। Yes, correct option is velocity much smaller than that of light. तो Newtonian mechanics low velocity के लिए applicable होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्लेट ऑफ थिकनेस 0.05 mm इज प्लेस्ड इन अ पाथ ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, अ शिफ्ट ऑफ 100 फ्रिंजेस इज ऑब्जर्व फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट, 1, 1.5, 2.5। टाइम स्टार्ट नाउ। तो टाइम स्टार्ट हो गया है, आप उसको पॉज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हम ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, एक तो कितना पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है और फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम प्लेट का कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होता है। तो पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस जो हम करते हैं प्लेट का, वो होता है 2 μ-1 टी पार्ट डिफरेंस है, और जब हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा लगाएंगे तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू। तो अगर हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आता है। तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है, आपको दिख रहा है स्लाइड में। इसमें हम टी एन लैमडा की वैल्यूज पुट करेंगे, लैमडा 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, एन 100 दिया है, टी mm में दिया है, इसको भी मीटर में रखा है, वैल्यूज रखने पर ये आता है 1.5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज एक्सपेरिमेंटल वर्क प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल एंड नेचुरल कॉन्स्टेंट, लॉरेंज, माइकलसन एंड मॉडले, आइंस्टाइन, मैक्सवेल। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट उसमें भी आया था जो हमने MCQ किए थे, पर डिफरेंट तरीके से पूछा गया था तो आंसर भी डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट आंसर है। तो आप को मैंने कई बार बताया है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो माइकलसन मॉडले है वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए, कि वो यूनिवर्सल आम नेचुरल कांस्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के बाद आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से देखिए क्या ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, सेकंड ध्यान से देखिए, थर्ड देखिए एंड फोर्थ देखिए। तो फर्स्ट और सेकंड तो नहीं हो सकता है, फर्स्ट में क्योंकि पॉजिटिव साइन आ रहा है, सेकेंड में यहाँ अंडर रूट नहीं है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो सकता था। तो शुरू की
तीन क्वांटिटी सेम है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश तो सेम ही लग रहा है, बट टी डैश में यहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा है, या टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर है, या एक्स डैश माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर है, तो यस सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पल्स ऑफ लाइट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद वेलोसिटी वी इज 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। टाइम स्टार्ट नाउ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम डायलेशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और टाइम बताना है उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और मैं जानती हूँ सबने करेक्ट ऑप्शन लगाया होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर फैक्टर पे डिपेंड करता है जो हम टाइम ऑब्जर्व करते हैं। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यूब वैन मूव्ड अलॉन्ग वन ऑफ इट्स फेस एट वेरी हाई स्पीड विल लुक लाइक अ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम स्फीयर क्यूब। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और ये आसान है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, मुझे पता है आप सबको इसका करेक्ट ऑप्शन पता है, और आप टिक भी कर चुके हैं कि हाँ ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। जब क्यूब मूव करेगा एक साइड के अलोंग, तो उसका एक साइड कॉन्ट्रैक्ट होके दिखाई देगा, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन लगना है एक साइड में, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें पता है ये रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम दिखेगा, क्यूब है स्पेयर भी नहीं दिखेगा, रेक्टेंगल भी नहीं दिखेगा, और क्यूब क्यूब भी नहीं दिखेगा क्योंकि एक साइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी लेंथ ऑफ रॉड इन मोशन इज सेम एट रेस्ट, इज मोर देन एट इट्स रेस्ट, इज लेस देन इट्स रेस्ट, मे बी मोर और लेस और इक्वल टू रेस्ट लैंड डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ मोशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये है, वैसे तो आपको पता ही है कि लेंथ में क्या चेंज होता है, बट कई बार आपको ये डी ऑप्शन कंफ्यूज करेगा कि बट आपको पता है कि ज़्यादा तो नहीं दिख सकती, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन नहीं है, तो इज लेस देन इट्स रेस्ट लेंथ, तो सी ऑप्शन। अगर मूव कर रहा है तो उसकी ओरिजिनल लेंथ से कुछ लेंथ कम होके दिखाई देगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी इज इक्वल टू सी द लेंथ ऑफ रॉड इन मोशन, जीरो इक्वल टू प्रॉपर लेंथ, लेस देन प्रॉपर लेंथ, मोर देन प्रॉपर लेंथ। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल है, अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है और वी इक्वल टू आप सी रखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर वी इक्वल टू हम सी रखते हैं तो जो है लेंथ जीरो दिखाई देती है। ये ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हम बोलते हैं मटेरियल पार्टिकल कोई भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता है, बट क्वेश्चन में दिया है, तो अगर ये वेलोसिटी है तो लेंथ जीरो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फास्ट डज अ रॉकेट हैव टू मूव रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू 95% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, 0.5 c, 0.4 c, 0.3 c, 0.2 c। ये भी लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का है न्यूमेरिकल, जो MCQ, और यहाँ पे आपको L दिया है और V पूछा है, ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो V आपका यहाँ पे 0.3 c आएगा। फॉर्मूला आपका है L इक्वल टू L नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आप यहाँ पे L की वैल्यू रखेंगे 99/100% में दिया है, यानी कि 0.095 ऑफ एल नॉट, और ये वैल्यू जब आप रखेंगे तो आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब विद साइड ऑफ प्रॉपर लेंथ एल नॉट इज व्यूड फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम मूविंग विद वेलोसिटी वी पैरेलल टू एन एज ऑफ क्यूब, द एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फॉर एन ऑब्जर्वर इज एल नॉट क्यूब, एल नॉट क्यूब अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एल नॉट क्यूब वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू पावर 3/2, और लास्ट है एल नॉट क्यूब वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और टाइम स्टार्ट हो गया है। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, क्यूब है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका वॉल्यूम कितना दिखाई देगा ऑब्जर्वर को जो रेस्ट में है, तो ये आपको सबको पता है कि एक साइड उसका कॉन्ट्रैक्ट होके दिखाई देता है, बाकी दोनों साइड सेम रहती हैं,
तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन एंड नॉट क्यूब अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये मैंने न्यूमेरिकल भी कराया था इस तरीके का, आपको फॉर्मूला यही लगेगा। एक साइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम में तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो वॉल्यूम बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द रॉड सीम्स शॉर्टर टू एन ऑब्जर्वर व्हेन इट मूव्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, वॉट चेंज वुड ही ऑब्जर्व व्हेन द डायरेक्शन ऑफ रॉड चेंजेस बाय 180। द रॉड बिकम इवन स्मॉलर, द लेंथ ऑफ रॉड इंक्रीजेस, द लेंथ ऑफ रॉड रिमेन सेम, द रॉड हैज द लेंथ इक्वल टू इट्स प्रॉपर लेंथ। टाइम स्टार्ट नाउ। ये थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिस में आपको वैसे कोई कैलकुलेशन या कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको सोचना है कि अगर वी है और उसकी वेलोसिटी 180 रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। द लेंथ ऑफ रॉड रिमेन सेम, जैसा उसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखाया था वैसे ही उसको नेगेटिव माइनस डायरेक्शन में मूव होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का आपको फॉर्मूला ध्यान हो, एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है, तो जब आप v की जगह माइनस वी रखेंगे तो ये स्क्वायर है तो वही टर्म आएगी। तो लेंथ अगर जिस पॉजिटिव डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होके दिखाई दे रही थी तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी कॉन्ट्रैक्ट होके ही दिखाई देगी, उसी फैक्टर से दिखाई देगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ लेंथ 1 मीटर इज मूविंग विद स्पीड एट स्पीड 0.5 c to an observer at rest related to an object, the length of the object seems to be 0.86 meter, 0.5 meter, 1 meter, 0.14 meter. Time starts now. ये भी बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है आपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी हो, बट बिलीव मी इसमें आपको कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर 1 मीटर ही है, और 1 मीटर क्यों है, क्योंकि अगर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर रेस्ट में है, जो कि यहाँ बोला है क्वेश्चन में, तो अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के रेस्ट में ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो उसको कोई चेंज नहीं दिखाएगा, 1 मीटर की लॉट 1 मीटर की ही दिखाई देगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस पे पीटी का, मतलब आज के वीडियो लेक्चर का। और रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर मूव विद स्पीड 0.5 c, हाउ मच लैंथ कॉन्ट्रेक्शन टेक प्लेस, 50%, 14%, 10%, 35%। टाइम स्टार्ट नाउ। आप इसको पॉज भी कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। पीछे वाले क्वेश्चन को ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे दिया है, और ये हमने न्यूमेरिकल्स में भी किया है, तो एल कैलकुलेट कर रखा है बेसिकली न्यूमेरिकल्स में हमने, और यहाँ परसेंटेज कॉन्ट्रेक्शन पूछा है। तो यस, करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन है, 14%, और फॉर्मूला वही यूज होगा लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का, एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे आपको वी दिया है 0.5 c, एल नॉट दिया है 1 मीटर, वैल्यूज पुट करेंगे तो एल आ जाएगा आपका 0.86 मीटर, और जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो परसेंटेज कॉन्ट्रेक्शन निकालेंगे, एल माइनस एल नॉट माइनस एल अपॉन एल नॉट मल्टीप्लाई 100, तो ये 13.39 आएगा। तो नियरेस्ट ऑप्शन यहाँ पे 14 है 13.39 के, इसलिए बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लास्ट करते हैं, रिलेटिविटी का ये सेकेंड MCQ था, और अभी हमारे पास टाइम डायलेशन, वेरिएशन ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी, अभी बहुत सारी टॉपिक्स हैं यहाँ पे जिनके MCQs रह गए हैं रिलेटिविटी में। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ठीक है, वो भी पढ़ें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, पास ही आ रहे हैं, ठीक है।